श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डम् एकत्रिंशः सर्गः किं शासनं विधेयमिति रामलक्ष्मणयोः विश्वामित्रं प्रति प्रश्नः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य जनकराज्ये गन्तुम् अद्भुतधनुरत्नदर्शनार्थम् अत्याग्रहरूपूर्वकं महर्षीणां रामायणनिवेदनं सर्षिसङ् सन्धविश्रा विश्वामित्रस्योत्तरदिशि प्रस्थानं सोनातीरे निवासस् रामस्य तद्धे शकता शकताविषयको विश्वामित्रं प्रति प्रश्नश्च अतता रजनीं तत्र कृता तौ रामलक्ष्मणौ उषतुर् मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रभाता यान्तु शर्वर्यां घृतपौर्वाह्निकत्र्यौ विश्वामित्रमृषींश्छान्यान् सहितावभिजग्मतुः अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् उच्चतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो इमौ स्मौ मुनिशार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम् सर्वयेव महर्षयः यः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन् मैतिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्या महैवयम् त्वं चैव नरशादूल सहस्याभिगमिष्यसि अद्भुत धनुरत्म तक द्रष्टुमर् तिपूर्व नरश्रेष्ठ दत्त सदसी दीत अमेयल घोरम परम नास्य ना्य देवा नंधर्वा नुरा न राक्षसा शक्ता न कथचन मनुषा धनुष्स्त वीर जिज्ञासो महिक्षिता न शेकुरापय राजपुत्रा महाबला तुर्षदूल मैथिलस्य से महात्म त्र द्रक्ष्यसी काकुत्सय च परमाुत फल तेना मैथि नीतम नीतम धनु याचिता नरशादूल सुनाभम सर्वैवत आयाघभभूत नृपते स्त वेश्म राघव अच्छित विविध गूपैश्चु गि मुनिवर प्रस्थनमकदा सशिशंघ सकाकुत्थ वन देवता स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्धसिद्धाश्रमादहं उत्तरे जाहव जानवी तीरे हिमवंतम शिलोच्छयम् इत्युक्त्वा मुनिशा दुलस्कौशिकस्स तपोघन तपोधनह उत्तरां दिशमुद् दिश्य प्रस्तातुमु पचक्रमे

ं व्रजन्तं मुनिवरन् मुनिवरं, मुनिवरं मन्वगादनुसारिणां शकटीशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानो विश्वामित्रं तपोधनं निवर्तयामास ततत् संपी uh, संशी संघस पक्षी न ह तेगत्वा दूरमद्वानम् लंबमाने दिवाकरे

त्रीर्मुनीस्तापूज्य अग्रतो निषद निशसा दिश्वा धीमता अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छ मुनीषा दूलम कौतूहल कौतूहल सन्वितगव नया देश समृद्धवन शोभितः श्रौतुम् इच्छामि बद्रन्ते वक्तुमर्हसि तत्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयमास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपः इत्याशे श्रीमद् रामायने वाल्मीकियै आदिकાવ्ये बालकाण्डे एकत्रंशः सर्गः